सामने डीडीसी रियासी के वाइस चेयरपर्सन माफ कीजिएगा शराब सिंह नाम, ये आप देख सकते हैं भारत भूषण और उसके अलावा 85% लोग राजौरी ऐसे और तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ के डीडीसी मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन जिनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजा गया था, हमारे आज यहाँ पर तमाम डीडीसी मेंबर्स को काउंसलर्स और डीडीसी मेंबर्स चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और रियासी से डीडीसी के चेयरपर्सन शराब सिंह नाग, जो आरसपुरा से मेंबर हैं तरनजीत सिंह टोनी, ये आप देख सकते हैं विरोधाभास स्थिति। देखिए ये नारे सारे भाषण करने से कुछ नहीं होगा, शरद सिंह नाग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन अपने हक के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक डीडीसी मेंबर भी हूँ, मैं एक डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन भी हूँ और मुझ पे 3.5 लाख अवाम की नजरें हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी अपेक्षाएं, अपने हक के लिए मुझे मेरी पार्टी मेरे हक से वंचित नहीं रखती है, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है मेरी पार्टी में, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ आप एक कागज और पेन लाइए, हम रिजाइन करेंगे। सबसे पहले शरद सिंह नाग रिजाइन करेगा, मत रखो, अगर किसी ने काम किया हमारे लिए उसके लिए बड़ा दिन रखिए, अगर मोदी सरकार ने किया उसके लिए बड़ा दिन रखिए, लेकिन अपने हक के लिए अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम ये भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारी कोई किसी को वहाँ से खींच रहा है और मेरे ख्याल में हमारे डीडीसी मेंबर्स कुछ अंदर भी होंगे, मैंने देखा वहाँ पे अगर कोई है तो लोग यहाँ पे आना चाहिए और सबसे पहले अगर आपने भाषण देना तो फिर प्रोटोकॉल को लेकर और जो सैलरी सरकार ने इनकी नियुक्त की है जिसमें इनको कहा गया कि ऑनरेडियम 15,000 और 25,000 दिया जाएगा, ये रोशनी के ऊपर है, साथ ही प्रोटोकॉल को लेकर बैठिए यहाँ पे 2 दिन के लिए, हम 10 दिन बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले ये महिलाएं हैं करेगा, हम आपके साथ हैं, सबसे पहले उसके बाद 279 डिस्ट्रिक्ट रजौरी से डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ये बात करेंगे हमारे इमरान साहब। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं एक ही बात कहूंगा कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि कलम मिली तो बिकी हुई, जो जुबा मिली तो बिकी हुई, जो कलम मिला तो बिका हुई। हमें जो बिकी हुई कलम मिली है, आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, ये सैलरीज को लेकर और साथ में
रहो। किसान मेन चीज है जो प्रोटोकॉल ने फिक्स किया है। प्रशासन के लोग बीबीसी मैम काउंसलर्स के साथ मेंबर्स के साथ बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान आप देख सकते हैं समझाने बुझाने की कोशिश, ताकि ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जिस ट्रेनिंग के प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद शामिल होंगे, ताकि ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया जा सके। सरकार के लिए जबरदस्त एम्बेरसमेंट, ये आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग समझाते हुए। आप देख सकते हैं कि बीबीसी मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रशासन के लोग जो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रोग्राम को अंदर जो प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होना है, जिसका इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करने जा रहे हैं, ताकि उसको शुरू किया जा सके। आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग डीडीसी मेंबर्स को समझाने बुझाने के लिए। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलाकों खैर से तो घबराया नहीं करते। पार्टी का नारा मत लगाओ, अपने मुल्क का नारा लगाओ, अपने मुल्क का आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनको मनाने के लिए। सुन लो एक मिनट चुप रहो, सारे सुन लो बात। हमारा एक ही फैसला है, जब तक कल वाला ऑर्डर रिवोक नहीं होगा हम कोई वोट नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत भूषण, वो भी आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि कोई बातचीत प्रशासन से तब तक नहीं होगी जब तक कल का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा। अच्छा सुन लीजिए, इन पार्टी क्या बोलते हैं सुन लीजिए। एक मिनट सारे चुप हो गए, सुनने दे मैडम को एक मिनट। एक मिनट सारे चुप हो जाए। मेरी आवाज ये सुनाई दे रही है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहने आई हूँ। इसके बाद आपकी मर्जी, आप बैठना चाहते हैं, अपनी बात किस तरह से कहना चाहते हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने आई हूँ। मेरा नाम सुषमा चौहान है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहती हूँ कि आराम से बैठकर अंदर भी बात हो सकती है। आप बात सुनिए, जो हम करेंगे वो हम करेंगे, आप सुन लीजिए बात, बस बाकी हम पहले बात सुनो। आपने जो बातें कही हैं उनको सुनने से कोई इनकार नहीं कह रहा है, आपकी बातें अंदर बैठकर ध्यान पूर्वक सुनी जाएंगी। किसी ने नहीं बोला कि आप जो कह रहे हो मत कहिए, ये तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये तरीका सही नहीं। आपकी बात विरोधाभास, प्रशासन के लोग परेशान,
चाहते हैं कि प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे गवर्नर का प्रोग्राम है वहीं पर बीबीसी मेंबर्स या पर्सन वाइस पर्सन जब हमारे साथ आया जब आप जिस तरह यहाँ आए वो भी यहाँ अंदर सलाह करके आप आइए मैं पहले ये रूल फ्लैश हो जाए कि कल का ऑर्डर युवक हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे। क्या आप लोग सब यही चाहते हैं? अंदर ये जाए, अंदर जाके सलाह करें, डिप्टी कमिश्नर जम्मू साथ में एसएसपी जम्मू। मामला सिर्फ इतना कि आज का फंक्शन हो जाना चाहिए, मामला सिर्फ इतना। आप देख सकते हैं एसएसपी जम्मू और दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो। अब पुलिस के एसएसपी श्रीधर पाटिल प्रशासन की पहली कोशिश नाकाम। वाइस चेयरपर्सन बीबीसी मेंबरान साथियों, ये जो एनिमेशन है ये मैडम आपके खाने से लेकर रामचंद मेरी बात पूरी सुन नहीं सके, जब कुछ सुनी नहीं। मैंने इनको सीधा दो शब्दों में कहा है कि अगर आपने कोई सलाह मशवरा करना है जो हमें सलाह दे रहे हो कि आप अंदर बैठ के भी बात कर सकते हैं, आप अंदर बैठ के बात करिए और आगे सचिव से बात करिए। अगर दो कार्ड है तो आ जाइए, अगर जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद डिजिटल सिस्टम कम्प्लीट हुआ है, डिजिटल सिस्टम की जो भी हमारे हस्तांतर है तो हमारे साथ बात करिए। मनोज सिन्हा साहब आए हैं, उसको चलने न चलने की यही एक मंशा। सही बात है, जहाँ भी आपने जो इससे पहले का आपने पढ़ा होगा जो एक्ट है उसने लिखा है कि जो चेयरपर्सन होता है वो कैबिनेट रैंक का होता है, लेकिन इन्होंने हमें एक महीने तक इसीलिए इंतजार करवाए रखा कि कैसे कैसे क्या क्या चुटकर इसका घटाया जाए और इनको कितना नीचा दिखाया जाए, इनको इनकी आदतों का दिखाई जाए, इसीलिए ये इतना देर लगा रहे थे। नहीं तो आने वाले दिन में पहले दिन ही ये शुमार से लागू हो जाती है। ये जो और ये शायद इतिहास का पहला एक ऐसा प्रदर्शन है
जिसमें जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों संभागों के डीवीसी काउंसलर, डीवीसी चेयरपर्सन, मेंबर्स तमाम एक साथ हैं। और उसके बाद अगर जो रिजाइन भी करेंगे वो हमारा राइट है, हमारे हाथ में है, हम रिजाइन कर सकते हैं। वो तब करेंगे जब इनकी सारी करतूत का जहाँ जो जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी है इसका आदत बन गई है कि इलेक्शन आदमी को ये पूछना नहीं चाहते, इनकी आदत बन चुकी है और उसी आदत के तहत हम जब जिले में कभी किसी ने मेमोस ने कभी किसी ने उपयोग नहीं किया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत भूषण सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हुए सरकार से हमारी बहन रूसत बात करेंगे प्लीज, जोरदार तालियों में हमारी बहन को रूसत डीडीसी मेंबर है हमारी। जोरदार तालियां सारे साथी कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वो प्लानिंग बोर्ड का मेंबर रखा जाए, वो बेसिकली जो पांडिचेरी का मॉडल है उसमें ये सब है, महाराष्ट्र में भी है। और सबसे बड़ी बात